हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं सिद ऊन स्पाइनिंग और कार्डनिंग इंडस्ट्री में। तो अभी हमने अपना ऊन लेके यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ऊन बनाने का प्रोसेस कैसा है और कैसे जो है इसको लास्ट जो है यानिंग करते यानी कि थ्रेड तक बनाते, मैं वो सारा प्रोसेस दिखाऊँगा। तो आप मेरे साथ आ जाइए। तो सबसे पहली बात ये है कि जितने भी ऊन जो है ये खरीदते हैं सारे को यहीं पे रखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी गुजर बकरवाल हो, जहाँ पे पहाड़ी इलाकों से जितने भी ऊन आते हैं वो सारे यहाँ पे रखते हैं। जब साफ करने की प्रोसेस होता है तो ये क्या करते हैं कि अपने लेबर से कुछ ऊन को उठा के जो है यहाँ से ले जाते। अब फिर से बारी है, यहाँ पे लेबर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ऊन जो है वहाँ से लेके आते हैं यहाँ पे इनकी सफाई होती है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि ऊन के साथ जितने भी मिक्स खराब चीज़ें होते हैं उन सारों को यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है लेबर का अब यहाँ पे होता है। तो यहाँ से जैसे ही ऊन को यहाँ से जितने भी गंद ऊन को निकाला जाता है तो उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ धूप में रखा जाता है ताकि ऊन के अंदर जितने भी मॉइस्चर होते हैं जितने भी नमी होते हैं उनको यहाँ से निकाला। चलो अब उसके बाद अब हमारा आगे की प्रोसेस के लिए जाते हैं। तो ये सेकंड प्रोसेस है इस ऊन रिफाइनिंग का। तो अब आगे थर्ड के लिए चलते हैं। प्रोसेस के थर्ड स्टेप पे पहुंच चुके हैं। थर्ड स्टेप पे यहाँ पे क्या किया जाता है, आप मुझे बताएंगे यहाँ पे ये कैसे चलते हैं। आप ऊन जब वहाँ से साफ करते हैं हाथ से जो अलग अलग किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे इसलिए किया जाता है, इसको क्यों किया जाता है? इसको कि इसलिए जो मिट्टी मट्टी होती है वो साफ हो जाती है और गुजरा धूल निकल जाता है। हाँ, ब्लाइंड हो जाता है। अच्छा, इसलिए साफ करते हैं। अच्छा, तभी यहाँ से जो सारे ऊन को साफ किया जाता है पूरी तरह। अच्छा, यानी कि धागा साफ हो जाता है। अभी आपने कहा कि इन्होंने यहाँ पे धागे के लिए बहुत अच्छा ऊन जो है पूरी तरह से अच्छा हो जाता है, इसको लास्ट में मशीन में डालने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे बिल्कुल पूरा सॉफ्ट बन चुका है, काफ़ी अच्छा बन चुका है। लास्ट में जो यहाँ पे मेन प्रोसेस है उसको यहाँ से जब जैसे ही साफ किया जाता है तो इसको मशीन में डाला जाता है, यहाँ से इसको रिफाइन किया जाता है और एक थ्रेड बनाने के लायक जो है एक ऊन को अच्छा शेप देता है। अभी हम फोर्थ स्टेप पे पहुँच चुके हैं मशीन के ऊन को रिफाइन करने के। तो मैं अपने छोटे भाई से पूछा था या आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे ऊन लगाते हैं, ऊन लगाते हैं, यहाँ से वापसी आते हैं, वापसी करके लोगे। अच्छा, यानी कि आप यहाँ को ऊन को सेट कर रहे हो ताकि इसको मशीन में डाला जाए। हाँ, सही से लाइक ऐसा बने। अच्छा, यानी कि ये बहुत अच्छा, यहाँ की यहाँ पे जो ऊन के हर एक प्रोसेस को सही तरह से फॉलो किया जाता है, लास्ट में ऊन को रिफाइन करके उसको धागे बनाने के लायक बनाया जाता है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर कि मशीन के अंदर ये यहाँ का सबसे बड़ा मैनेजिंग है जो मेरा भाव बताएगा। भाव, आप यहाँ को हैंडल यहाँ पर आपको मशीन आप करते हो ना, तो आप बताएंगे कि आप मशीन के अंदर कैसे जाते हैं, फिर किन किन मशीन से गुजरता है लास्ट में ये अच्छा बनता है। मतलब ये तो पहले ये मिट्टी निकालेगी। हाँ, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा ये माल मिक्स। हाँ, अभी ये हो गई कार्डिंग। अच्छा, कार्डिंग हो रहा है सर, ये कार्डिंग हो रहा है। आगे फ्रेश होके धागा बनेगा, धागा बनवाना आगे आगे आप समझाते जाएंगे, ठीक है? अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये मशीन में जैसे ऊन डालेंगे कार्डिंग प्रोसेस चल रही है। यहाँ पे अभी यहाँ से बड़े बड़े लोगों के बीच से होते हुए गुजरने में जाते हैं लाभ। यहाँ पे हमें जो अपने घर के लिए लेके जाना है अच्छी ऊन, तो यहाँ से बनता है और ये जो है लास्ट वहाँ से डाले तो मैं ध्यान नहीं करता है। यहाँ पे इस तरह के ऊन हमें मिलते हैं लास्ट मशीन से गुजरने के बाद।
अगर आप इसके आगे नहीं जाओगे तो आपको मैं आगे भी दिखाना चाहूँगा। आगे जो इसका फिफ्थ सेटअप है, फिफ्थ स्टेप जो है यहाँ से होते हुए पूल सारा यहाँ से होते हुए दोनों से होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और उसके बाद फिर से यहाँ पे इसको रिफाइन किया जाता है। मशीन में इनको यहाँ से गुजारा जाता है और यहाँ का पानी इतना ज़्यादा चाय लाया अभी, क्योंकि फिलहाल इस पोर्शन को बंद किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे थ्रेड बना रहे हैं। आप लोग यहाँ से होते हुए गुजरते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे लास्ट जो है थ्रेड यहाँ पे बनता है जहाँ पे कच्चा थ्रेड बनता है। तो जैसे यहाँ पे कच्चा थ्रेड बनता है तो उसको यहाँ से हटाया जाता है, जैसे यहाँ का एक व्हील बनता है तो उसको यहाँ से हटाया जाता है। इस तरह का एक व्हील बनाया जाता है, आप देख सकते हैं इन मशीनों से बनाने के बाद लास्ट में यहाँ पे इस तरह का एक व्हील बनाया जाता है। तो ये रेल जो है यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाने के लिए यहाँ पे फिर से आप मुझे समझाएंगे अगर आप मुझे समझाएं कि ये मशीन में धागे कैसे साफ बनाते हैं, मजबूत कैसे बनाते हैं, तो क्यों करते हैं फिनिंग करते हैं, फिनिंग करते हैं। हाँ, ये एक रील को बनने में कितना टाइम लगता है? डेढ़ घंटा लगता है। और यहाँ पे कितने बीज निकलते हैं यहाँ से? 200 बीज निकलते हैं एक घंटे में? डेढ़ घंटे में 200 बीज निकलते हैं। अच्छा, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ से 200 रील निकलते हैं इतने डेढ़ घंटे में हो गया। ये जो है ये मशीन की जो लोकेशन है ये अखनूर में है। आप यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कैसे जोड़ा जाता है और कैसे डाला जाता है, स्पाइन डिजाइनर कैसे जो है इसको डाला जाता है और कैसे इसको दूसरे लीव में जो है स्पाइनिंग करके जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो आप, ये जो इन्होंने धागा जोड़ दिया और इसे लीव के साथ ये जो है स्पाइनिंग करते हुए मजबूत धागा जुड़ा रहे हैं। आप यहाँ पे मजबूत धागा निकाला जा रहा है। ये आपके हाथ में चला रहे हैं और यहाँ पे स्पाइनिंग लगा रहे हैं। आप बताएंगे इसके बनने के बाद इसको कहाँ लिया जाता है? अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि थ्रेड जो है स्पाइनिंग हो रहा है, तो अभी आपको मेरा भाई जो दूसरी जगह लेके जा रहा है। यहाँ पे रील बनने के बाद इसको दूसरी जगह लिया जाता है और वहाँ पे जो है लास्ट स्पाइनिंग शेप दिया जाता है, धागे को सबसे मजबूत बनाया जाता है। तो आप ये रील जो है वहाँ से स्पाइनिंग होकर यहाँ पहुँच रहा है, इस वाले लास्ट यहाँ पे प्रोसेस है थ्रेड को कैसे बनाने का। तो उसके बाद यहाँ पे लास्ट गोला जो है अब आप देख सकते हैं इन्होंने मशीन चला दिया है, अभी मशीन चला के आप देख सकते हैं। अभी हमें एक और रील यहाँ पे लगा के देखिए, अब यहाँ से जो है आप देख सकते हैं राजा इन्होंने एक रील अब आप देखते हैं यहाँ से नीचे से रील पर डाली है। देखो यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे एक बड़ा रील बनता है। तो आप मुझे एक फाइनिंग लास्ट फिनिशिंग दिखाएंगे कि रील कैसे बनता है, दिखाएंगे आप यहाँ से पैकिंग हो गई पूरा जाता है हमारे लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट जो है रील यहाँ पे बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फिनिशिंग यहाँ पे हो चुका है। इसको कैसे उठाते हैं? चलो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा, ठीक है? आप इसको उठाएंगे थोड़ा ऊपर के दुकाना है। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से कोशिश करूँगा। पहले मुझे इसको रोकना पड़ेगा, ऐसा से रोका फिर तो इसको बाहर के भी खींचना है और इसको यहाँ पे ऐसा। तो ये लास्ट फाइनिंग धागे बना हुआ है और इसको जो है यहाँ पे जमा किया जाता है और यहाँ से जो है लास्ट स्टेप यहाँ आगे फैक्ट्री में लिया जाता है जहाँ पे इसका कंबल बनाते हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको वहाँ पे कंबल बनाने वाले प्रोसेस के पास लेके जाऊंगा। चलो आप मेरे साथ आगे कंबल बनाने के सेक्शन में। तो अभी तक हमने सारे प्रोसेस को देखा, चार स्टेप देखे। सबसे पहले ऊन को कहाँ जमा किया जाता है, कैसे जो है लेबर्स उसको साफ़ किया जाता है और कैसे जो है मशीन के अंदर से ऊन के अंदर से मिट्टी को हटाया जाता है और लास्ट में जो है ऊन को कार्डनिंग प्रोसेस में डाल के उसको रिफाइन करके
फिर उसके बाद हमने देखा थ्रेड कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा थ्रेड को स्पाइनिंग करके उसको कैसे मजबूती किया जाता है, और उन स्पाइनिंग उन रील्स को जो है कैसे जो है एक बड़े से रील में चेंज किया जाता है, और लास्ट जो रील जो बना होता है उस बड़े रील को यहाँ पे लाया जाता है जहाँ पे उसको उससे कंबल बनाया जाता है। तो आप मेरे साथ आइए, अच्छा तो अभी जैसे ही वहाँ से जो रील बन के आता है उसको यहाँ पे अलग अलग कलर दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कलर बॉक्स है। तो मेरा बाऊ उधर बैठा है, बाऊ आप इधर आइए थोड़ा समझाइए, इधर थोड़ा समझाइए। अभी तो कोई बाऊ आ रहा है तो बाऊ हमें समझाएगा कि उनको कैसे जो है उन रील्स बड़े रील्स को यहाँ पे रंग चढ़ाया जाता है, कैसे कैसे अलग कलर जो है उनको दिया जाता है। यहाँ पे हमारे पास बाबू पहुँचे। बाबू आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरिजीत जी। अच्छा तो बाबू आप मुझे समझाएंगे जो वहाँ से रील बन के आता है बड़ा से धागे का, तो उसको यहाँ पे कैसे कलर चढ़ाया जाता है, रंग कैसे चढ़ाया जाता है, आप समझाएंगे? कल बाल बड़ा चढ़ाया जाता है, कलर जहाँ कहाँ चढ़ता है वो पानी पर चढ़ता है, और यहाँ पे इनको रंग नहीं दिया जाता है। रंग अच्छा यानी कि वहाँ से डायरेक्ट ऊन ऐसे ही बन के आता है। अच्छा यानी कि पानीपत से आते बोलते यहाँ यहाँ पे रंग नहीं चढ़ाते बोल रहे हैं। भाऊ आप इधर रंग नहीं चढ़ाते हो? अच्छा ना रंग इधर बाहर चढ़ता है, यहाँ पे नहीं इस एज इट इज। अच्छा एज इट इज, यह तो ब्लैक ब्लैक देंगे आपको। अच्छा वो देंगे वाइट वाइट लाते हैं, हम लोगों को ग्रे बना दो, हम ग्रे बना देंगे। यानी कि बाबू ने हमें बताया कि रंग जो है इसको बाहर से चढ़ा के लाते हैं, और यहाँ पे जो है सिर्फ दो या तीन कलर मिलते हैं, ग्रे जो वाइट और ब्लैक को मिक्स करके बनता है, और एक वाइट बनता है और एक ब्लैक थ्रेड बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंतजार करके। अच्छा यानी कि अभी आप इसको मिक्स कर रहे हो, इसका यानी कि एक लेयर बना रहे हो। अच्छा ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से सारे दागों को, जितने भी दागे हैं उनको सिमेट्रिकल वे से रख के, सिस्टमेटिकली रख के यहाँ से हर एक कलर को इकट्ठा किया जा रहा है यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने आराम से, अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो यहाँ पे रंग से फिर बदली हो सकता है ना। इतने आराम से जो है ये देख रहे हैं, हर जगह को चेक कर रहे हैं कहाँ से धागे टूट रहे हैं कहाँ से धागे नहीं टूट रहे हैं, उन सभी को चेक करके ये जो है बड़े आराम से जो है इस बड़े से रोलर पे जो है इनको इकट्ठा किया जा रहा है मिक्स करके। तो आप यहाँ पे दूसरे कलर का भी मिक्स किया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते आप यहाँ पे सिर्फ ब्लैक और वाइट है, और फाइनल प्रोसेस है जहाँ पे इन दागों का कंबल बनाया जाता है वो यहाँ पर। यहाँ पे जो है लास्ट धागे को शेप जहाँ पे कंबल का शेप दिया जाता है वो इसी मशीन से दिया जाता है। धागा जो पहले उस रोलर पे यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे आप कंबल से हर एक अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं, किस किसी डिज़ाइन को बनाते हो, अलग अलग डिज़ाइन को बनाते हो। अच्छा तो यहाँ पे फाइनल बन रहा है कंबल ना, और एक दिन में कितना कंबल बनता है यहाँ पर? एक दिन में 10-15 कंबल बनता है। अच्छा इसकी लंबाई कितनी होती है, कंबल की लंबाई कितनी होती है? एक 5 मीटर होता है। 5 मीटर एक कंबल की लंबाई 5 मीटर होता है, और ये जो है छोटी चादर होती है। अच्छा हाँ, जो यहाँ पे गुजर बकरवाल पहनते हैं, ढाई पौने तीन मीटर ये दो आई तनी ढाई मीटर यही जाना। अच्छा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट फाइनल कंबल शेप यहाँ पे दिया जा रहा है, और यहाँ पे मेरा बाऊ बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो तरीके के कंबल बनाते हैं, एक शॉल की तरह बनता है जो पूरे 2 या 3 मीटर का होता है, और एक कंबल बनता है जो 5 मीटर का होता है, जो घर के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, यहाँ के गुजर बकरवाल के लोग इस्तेमाल किया जाता है ना। तो आप इन कंबल को कहाँ बेचते हो, इन्हीं मार्केट में बेचते हो या फिर बाहर भी बेचते हो? इधर ही बेचते हो? अच्छा वही ले जाते हैं।
और यहाँ पे सुबह कितने बजे आते हो, कहाँ शाम के कितने बजे जाओगे? 8 बजे आते, 7 बजे छुट्टी। सुबह के 8 बजे और शाम के 10 बजे? 7 बजे। 7 बजे? अच्छा 7 बजे छुट्टी होता है। मेरे भाई को थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई नहीं, समझ गए हम, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है सुबह के 8 बजे होता है। यहाँ पे जो है दिन में लगभग 15 कंबल। हाँ ये 15, ये छोटी है 15, ये बड़ी है वो 10 कंबल। अच्छा ये छोटी वाली जो 15 कंबल निकालते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसमें कोई 10 कंबल निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5-6 सेट है मशीन्स के, और अलग अलग कलर के जो है कंबल्स बनाए जा रहे हैं। आप देखो फाइनल प्रोसेस जो है, यहाँ पे 2-3 तरीके के कंबल बनते हैं। एक ये रहा सिंपल प्लेन कंबल है, ये प्लेन कंबल आप देख सकते हैं, ये प्लेन कंबल पूरा प्योर उलन कंबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्योर उलन कंबल है, इसका एक रोल बनाया जाता है और इसके अलग अलग कंबल निकाले जाते हैं ना, बीच से काटे जाते हैं ना। अच्छा ये होते हैं बुम्बर, इसको क्या बोलते हैं? बुम्बर बोलते हैं इसको, बुम्बर बोलते हैं जो यहाँ से जो लास्ट डिजाइन जैसे निकाले गए हैं। अच्छा धोना होता है तो फिर ये प्योर सफेद हो जाता है, पूरा सफेद हो जाता है इस कंबल को, जब जैसे ही धोएंगे इसका सफेद हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे कलर के, यहाँ पे मिक्स कलर के एक कंबल बना हुआ है और इसके भी एक बड़ा सा रोल है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे रोल यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ढेर लगा दिए हैं कंबल के अलग अलग डिजाइन के, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये फाइनल प्रोसेस है इस स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज का, जहाँ पे इस कंबल को बनाया जाता है जो प्योर वूलन होता है और लोकली जो है इन्हीं के बाजार में बेचा जाता है। और खासकर यहाँ पे गुजर बकरवाल और गद्दी के लोग या पहाड़ी लोग आते हैं और इन्हीं कंबल को खरीद के लेके जाते हैं। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा ये ट्रिप जो है एक छोटे से इंडस्ट्री का वो कंप्लीट होता है। तो अगली बार फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है, कभी चांस मिलता है तो मैं बना देता हूँ, कभी नहीं मिलता तो नहीं बनाता हूँ। तो लेकिन अगली बार मैं अच्छे से जगह को और एक अच्छे से जगह को थोड़ा सा डिफाइन करके उसको थोड़ा सा अलग सा जो है एरिया का मैं आपको वीडियो भेजूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहे और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू।